आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक देने वाली हूँ जिसके द्वारा आप वॉकऐप को ना केवल लर्न करेंगे बल्कि उसका लाइफ में यूज कैसे करना है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। प्रैक्टिस के बहुत सारे पोर्शन आपके सामने आने वाले हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से आपको लर्न करना है, डिफरेंट टेक्निक्स आपको समझ में आएंगी, डिफरेंट टाइप से आपको मैं वो समझाने की कोशिश करूंगी। तो इसके लिए क्या करना होगा, ऑब्वियसली पूरे वीडियो को ध्यान से देखना होगा। सो गाइस लेट्स बिगिन। यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, कुछ कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं, कॉलम्स में मैंने कुछ लिखा हुआ है, वो मैंने सभी एडजेक्टिव्स लिखे हैं, इट मींस विशेषण लिखे हुए हैं, जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में मैंने कुछ एडजेक्टिव्स लिखे हुए हैं, इट मींस कुछ विशेषण लिखे हुए हैं, उनका हिंदी में मीनिंग भी लिखा हुआ है। आगे जाकर आप देखेंगे तो उनके मैंने सिमिलर वर्ड्स भी लिखे हुए हैं। आप बोलेंगे मैम ये वॉकैब लर्न करने का तरीका है, तो मैं बोलूंगी ऑफ कोर्स गाइस ये वॉकैब लर्न करने का एक बहुत ही बेस्ट कीमती तरीका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर मैं आपको कुछ वर्ड्स देती हूँ, मैं आपको ऐसा बोलती हूँ कि तुरंत आप मुझे कुछ सेंटेंसेस बना के बताओ, मैं सुंदर हूँ, तू भूखी है, वो टेंस्ड है, वो भ्रमित है, कैसे आप ये सेंटेंसेस बनाएंगे, वो आलसी है, समझ में आ रहा है? तो तुरंत आप वे आलसी हैं, आप इतना तो बोल देंगे दे आर, तुरंत नहीं ध्यान आता ना कि आलसी के लिए क्या बोले, हाँ आएगा आपको ध्यान, सुस्त के लिए हम क्या बोलेंगे। तो यही तो वॉकैब है, इसको ही तो आपको आज मैं लर्न करने का तरीका बताने वाली हूँ। कुछ ही मिनटों में आप ये सभी मीनिंग्स तुरंत लर्न कर लेंगे। करना क्या है देखिए, आपको कोई भी एक सब्जेक्ट लेना है, अभी आगे मत बढ़िए, कैसे करना है मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ। एक आपने सब्जेक्ट लिया आई, आई एम, आई के साथ में एम लगाते हैं आपको और हमें अच्छे से मालूम है, आई एम फास्ट, मैं तेज हूँ। अगर आप केवल ऐसे याद करेंगे ना फास्ट, तो जब टाइम पर तेज वर्ड आएगा ना तब बोल नहीं पाएंगे। तो इसलिए सेंटेंसेस बनाकर उस वॉकैब को लर्न कीजिए। आई एम फास्ट, मैं तेज हूँ, आई एम स्लो, मैं धीमी हूँ, आई एम वीक, मैं कमजोर हूँ, आई एम रिलायबल, मैं विश्वसनीय हूँ, आई एम टेरेबल, मैं भयानक हूँ, आई एम नर्वस, मैं बेचैन हूँ, आई एम इनोसेंट, मैं मासूम हूँ या भोली हूँ, आई एम गॉर्जियस, मैं सुंदर हूँ। वेरी ब्यूटीफुल के प्लेस पर आप गॉर्जियस यूज कर सकते हैं। आई एम स्टार्विंग, मैं भूखी हूँ, आई एम इंडोलेंट, मैं आलसी हूँ, आई एम सेंसिटिव, मैं संवेदनशील हूँ, आई एम परप्लेक्स्ड, मैं भ्रमित हूँ, आई एम इनोवेटिव, मैं रचयिता हूँ या रचनाकार हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक सब्जेक्ट लिया और इतने सारे जो एडजेक्टिव्स थे उनको मैंने उस सेंटेंस में बनाने की कोशिश की है। अब इसका क्या फायदा होगा, जब भी मुझे कोई भी एक वर्ड मिलेगा ना तुरंत वो मीनिंग मुझे याद आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप आपको क्या लेनी है, मैं तो यार शॉर्टकट लूंगी, अदरवाइज मैं अगर सब स्टेप्स फॉलो करूंगी तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसके बाद आपको वी से प्रैक्टिस करनी है, वी आर फास्ट, हम तेज है। आफ्टर दैट आपको यू से प्रैक्टिस करनी है, यू आर फास्ट, तू तेज है, दे आर फास्ट, वे तेज है। इस तरीके से आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है। एक मैं छोटा सा कैलकुलेशन आपको देना चाहूंगी, एक सब्जेक्ट का यूज करके, एक सब्जेक्ट से और 13 एडजेक्टिव्स का यूज करके आप डायरेक्टली 13 सेंटेंसेस बनाएंगे एक सब्जेक्ट से। अगर आप यहाँ पे कितने मैंने सब्जेक्ट लिखे हैं, 4 एंड 4, 8 सब्जेक्ट का आप अगर यूज करते हैं तो 13 मल्टीप्लाई बाय 8 केवल इतने सेंटेंसेस केवल आप इस फर्स्ट टाइप से बना लेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए ही इज फास्ट, वह लड़का तेज है, आपको ऐसी भी प्रैक्टिस यहाँ पर करनी होगी। इट मीन्स आई वी यू दे के साथ में ही शी इट राम श्याम, ये भी प्रैक्टिस आपको करनी होगी, इसका फायदा बहुत होने वाला है। ही इज फास्ट, वह तेज है, ही स्लो, वह धीमा है। ऐसी प्रैक्टिस करने के बाद में आपको फिर आगे बढ़ना है। अब नेक्स्ट फेज आपको क्या लेना है, कुछ नहीं करना है, इनके सिमिलर वर्ड्स आपको मालूम होने चाहिए। ये कुछ वर्ड्स है यहाँ पर देखिए, इंडोलेंट, नहीं समझ में आता ना इंडोलेंट का मीन्स क्या होता है, अगर इस प्लेस पर हम लेजी बोलेंगे तो हमें तुरंत क्लिक होता है, हाँ लेजी का मतलब होता है आलसी। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, ये जो वर्ड्स है ना इनके सिमिलर वर्ड्स मैं आपके सामने लेकर आई हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब हमें क्या करना है, स्पीडी, स्पीडी मीन्स क्या होता है, तेज, इसकी प्रैक्टिस हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर मैंने अभी आपको आई से प्रैक्टिस बताई थी, अब मैं आपको यहाँ पर वी से प्रैक्टिस बताऊंगी। यहाँ पर हम वी से प्रैक्टिस करेंगे, वी आर स्पीडी, हम तेज है, वी आर स्टडी, हम धीमे है, वो स्पीडी है और ये स्टडी है, दोनों को आपको ध्यान से देखना है। वी आर पावरलेस, हम कमजोर है, और यहाँ पर हमने क्या बोला था, वीक, तो दो मीनिंग आपको लर्न हो गए ना। वी आर ट्रस्टवर्दी, हम विश्वसनीय है, वी आर हॉरेबल, हम भयानक है, वी आर टेंस्ड, हम बेचैन है, वी आर सिनलेस, मासूम है, और यहाँ पर हमने क्या बोला था, इनोसेंट बोला था, और यहाँ पर हमें सिनलेस मिल गया। वी आर ब्यूटीफुल, हम सुंदर है, वहाँ पर गॉर्जियस था। वी आर हंग्री, हम भूखे हैं। वी आर लेजी, हम आलसी हैं। इंडोलेंस से लेजी हमें जल्दी समझ में आएगा। वी आर पजल, हम भ्रमित है। वी आर डेलिकेट, हम संवेदनशील है। वी आर क्रिएटिव, हम रचयिता है। तो यहाँ पर हमने क्या बोला था,
इनोवेटिव और यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं क्रिएटिव, तो इसको नहीं समझ में आता तो आप सिमिलर यहाँ पर भी उनका यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको आगे बढ़ना है। अब सेम थिंग देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर वही चीजें फिर से रिपीट किए, लेकिन प्रैक्टिस करने का मेथड चेंज हो जाएगा। हमने आई से प्रैक्टिस देख ली, वी से प्रैक्टिस देख ली, अब मुझे तुरंत बोलना है वह लड़का भ्रमित नहीं है, तू भ्रमित नहीं है, मैं सुस्त नहीं हूँ, हम स्वस्थ नहीं है, कैसे तुरंत ये सेंटेंसेस बनाएंगे? ऑब्वियसली नॉट की एडिशन करनी पड़ेगी ना, बट अगर मैं ऐसा बोल देती हूँ चलो नॉट के एडिशन कर दो, बट प्रैक्टिस हो गई नहीं होगी। तो गाइस मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी, अगर आपने 2 घंटे में टेंसेस पढ़े होंगे तो ये स्ट्रक्चर आपको क्लियर नहीं होगा। अगर क्लियर है तो आप मुझे तुरंत बताइए ये किस टेंस का स्ट्रक्चर है। और गाइस जब भी हम अपने स्टूडेंट्स को टेंसेस पढ़ाते हैं तो ऐसी नहीं, इससे भी अलग अलग बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, तो ये भी उनका ही एक पार्ट है। अब तुरंत मुझे कुछ सेंटेंसेस बोलना है। ही इज नॉट फास्ट, वह लड़का तेज नहीं है। इट मींस ही इज नॉट स्लो, वह धीमा नहीं है। ही इज नॉट वीक, वह कमजोर नहीं है। ही इज नॉट रिलायबल, वह विश्वसनीय नहीं है। ही इज नॉट टेरिबल, वह भयानक नहीं है। ही इज नॉट नर्वस, वह बेचैन नहीं है। ही इज नॉट इनोसेंट, वह मासूम नहीं है। ही इज नॉट गॉर्जियस, वह सुंदर नहीं है। आप बोलेंगे मैम ये तो शी का यूज करते हैं ना, लेकिन प्रैक्टिस के लिए आप शी इज नॉट गॉर्जियस भी बोल सकते हैं। ही इज नॉट स्टार्विंग, वह भूखा नहीं है। ही इज नॉट इंडोलेंट, वह आलसी नहीं है। ही इज नॉट सेंसिटिव, वह संवेदनशील नहीं है। ही इज नॉट परप्लेक्स्ड, वह भ्रमित नहीं है। ही इज नॉट इनोवेटिव, वह रचयिता नहीं है। तो प्रैक्टिस के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स आपको यूज करने, जल्दबाजी करनी नहीं है। नहीं तो आप बोलेंगे मैम हम तो ये लर्न कर लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिस कौन करेगा, क्योंकि स्पोकन एक प्रैक्टिस का ही पार्ट होता है। अब हमें तुरंत कुछ सेंटेंस बनाने हैं। क्या मैं तेज हूँ, क्या वो लड़का तेज है, क्या तू सुस्त है, क्या वो रचनाकार है, तो इसके लिए हमें वर्बल क्वेश्चंस बनाने होंगे। कैसे बनाएंगे? ऑब्वियसली हमने यहाँ पर एम इज आर इनको स्टार्टिंग में लिया है, सब्जेक्ट्स को नीचे किया है, कैलकुलेशन एज इट इज है। एक वर्ड एक सब्जेक्ट से आप मोर देन 13 सेंटेंसेस यहाँ पर फ्रेम कर रहे हैं। और जैसे कि मेरे वीडियो स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन पूछा था, मैम वॉकेब कैसे इंप्रूव करें, वॉकेब लर्न भी हो जाती, चलिए फास्ट का मीन्स मालूम है, स्लो का मीन्स मालूम है, स्टडी का मीन्स मालूम है, परप्लेक्स्ड का मीन्स मालूम है, लेकिन हम उनका यूज कैसे करें, टाइम पर हम पूरे ब्लैंक हो जाते हैं। बट आपके पास अगर ये मेथड है ना, तो आप ब्लैंक भी नहीं होंगे और टाइम पर ये सभी चीजें आपका साथ देंगी। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। अभी हम यहाँ पर दे से प्रैक्टिस बताऊंगी मैं आपको। आर दे फास्ट, क्या वे तेज है, आर दे स्लो, क्या वे धीमे, आर दे वीक, क्या वे कमजोर है, आर दे रिलायबल, क्या वे विश्वसनीय, आर दे टेरिबल, क्या वे भयानक, आर दे नर्वस, क्या वे बेचैन, आर दे इनोसेंट, क्या वे मासूम है, आर दे गॉर्जियस, क्या वे सुंदर है, आर दे स्टार्मी, क्या भूखे, आर दे इंडोलेंट, क्या वे आलसी, आर दे सेंसिटिव, क्या वे संवेदनशील, आर दे परप्लेक्स्ड, क्या वे भ्रमित है, आर दे इनोवेटिव, क्या वे रचयिता है। तो मैंने यहाँ पर इतनी फास्ट प्रैक्टिस की है, ये मेरी फास्ट प्रैक्टिस की होगी क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से करती हुई आ रही हूँ। अब हमें आगे जाकर देखना है कुछ सेंटेंस बनाने, पास्ट के लिए बोलना है। मैं भूखी थी, मैं तेज थी, मैं स्लो थी, मैं सुंदर थी, मैं भ्रमित थी। सेंटेंसेस में आपको वॉचर भर के एडिशन करनी है, सिंपल पास्ट टेंस का, टू बीस का ये स्ट्रक्चर है। तो देखिए कुछ नहीं करना है, यू से प्रैक्टिस। अब मैं आपको बताती हूँ, मैं ना यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज कर रही हूँ फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। यू वर फास्ट, तू तेज थी, यू वर स्लो, तू धीमी थी, यू वर वीक, तू कमजोर थी, यू वर रिलायबल, तू विश्वसनीय थी, यू वर टेरिबल, तू भयानक थी। इसी तरीके से आपको पूरी प्रैक्टिस करनी है। और यहाँ पर ध्यान रखिए पीछे के भी जो मैंने कॉलम्स की प्रैक्टिस बताई है ना, ऐसा नहीं कि मैंने एक सब्जेक्ट लिया तो आप एक से करेंगे, आप पूरे सब्जेक्ट से प्रैक्टिस कीजिए। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है कि किस तरीके से आप तुरंत अपनी वॉकैब को इंप्रूव कर सकते हैं। अब मुझे तुरंत बोलना है, मैं तेज नहीं थी, वो लड़का तेज नहीं था, राम तेज नहीं था। तो यहाँ पे नॉट की एडिशन करनी है, बिल्कुल एज इट इज कुछ नहीं करना है। राम से मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिस बताऊंगी। राम वॉज नॉट फास्ट, राम तेज नहीं था, पास्ट की बात है। राम वॉज नॉट स्लो, राम धीमा नहीं था, पास्ट की बात है। राम वॉज नॉट वीक, राम कमजोर नहीं था, राम वॉज नॉट रिलायबल, राम विश्वसनीय नहीं, राम वॉज नॉट टेरेबल, राम भयानक नहीं था, राम वॉज नॉट नर्वस, राम बेचैन नहीं था, राम वॉज नॉट इनोसेंट, राम मासूम नहीं था। पूरी प्रैक्टिस करनी है, आई वी यू दे राम चाम, सबसे प्रैक्टिस आपको करनी होगी, मेरी तरह शॉर्टकट नहीं लेना होगा। अब देखिए, अब मुझे तुरंत बोलना है, क्या हम फास्ट थे, क्या तू फास्ट था, क्या वो धीमा था, क्या वे सुस्त था, क्या वो आलसी था। यहाँ पर हमें वर्बल क्वेश्चंस फ्रेम करने होंगे। अब यहाँ की प्रैक्टिस मैं आपको शी से बताने वाली हूँ। वॉज शी फास्ट, क्या वो लड़की तेज थी, वॉज शी स्लो, क्या वो धीमी थी, वॉज शी वीक, क्या वो कमजोर थी, वॉज शी रिलायबल, क्या वो विश्वसनीय थी, वॉज शी टेरेबल, क्या वो भयानक थी, वॉज शी नर्वस, क्या वो बेचैन थी। पूरी प्रैक्टिस करना है, सब्जेक्ट्स को छोड़ना नहीं है, कोई मौका नहीं देना जहां पर आपका वीक पॉइंट सबके सामने आ जाता है। प्रैक्टिस कीजिए, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए। ऐसे अगर
अगर आपको लगता है कि मैम हमें ये प्रैक्टिस का मेथड अच्छा लग रहा है, हम इसमें और इम्प्रूवमेंट कैसे कर सके, हमें और भी एडजेक्टिव्स चाहिए, तो गाइज हमने आपके लिए मोर देन 500 एडजेक्टिव से प्रैक्टिस बताई है। अगर आप वो सभी देखना चाहते हैं तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप मोर देन 500 स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस देख सकते हैं जो मैंने और राहुल सर ने खुद की है। अब हम नेक्स्ट पर आते हैं, फ्यूचर के लिए बोलना है मैं तेज होंगी या मैं तेज रहूंगी। अभी तो मैं स्लो हूं ना, लेकिन जब आगे जाऊंगी तो मैं तेज रहूंगी, तो कैसे बोलेंगे? आई विल बी फास्ट, आई विल बी स्लो, मैं धीमी रहूंगी, आई विल बी वीक, मैं कमजोर रहूंगी, आई विल बी रिलायबल, विश्वसनीय रहूंगी, आई विल बी टेरेबल, मैं भयानक रहूंगी। तो ये कुछ मेथड है जिसके द्वारा आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। और एक और चीज गाइस, अगर मैं प्रैक्टिस के लिए बोलूं तो आप कैसे प्रैक्टिस करेंगे? एक सेकंड का टाइम देती हूं, तुरंत मुझे प्रैक्टिस करके बताइए। यस, यहां पर एक मिस्टेक आपकी क्या हुई, आपने ऐसे प्रैक्टिस की आई विल बी फास्ट, आई विल बी स्लो, आई विल बी वीक, आई विल बी रिलायबल, आई विल बी टेरेबल, आई विल बी नर्वस, ऐसे प्रैक्टिस नहीं करनी है आपको। ट्रांसलेशन मेथड का यूज करके प्रैक्टिस करनी है, इसका रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। पहले ट्रांसलेशन मेथड का यूज कीजिए, उसके बाद में डायरेक्ट मेथड से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये सभी वीडियोज हमारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज हैं। अगर आप इंग्लिश में ट्रेंड होना चाहते हैं, ग्रामर में इंप्रूवमेंट चाहते हैं, ग्रामर में अच्छे मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, इंग्लिश बोलने में ट्रेंड होना चाहते हैं, तुरंत हमारे यू कैन स्पीक किटन ऐप को इंस्टॉल कीजिए, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और हमारा 60-90 days का स्पोकन इंग्लिश का जो कोर्स है, उसके साथ में आपको ये 4 किताबें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। लेकिन इन सबके लिए क्या करना है, आपको हमारे लिंक पे जाकर के क्लिक करना है। थैंक यू वेरी मच।